नगर परिषद परवाणु के मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की गरिमामयी उपस्थिति में नगर परिषद परवाणु के मनोनीत पार्षदों को उप मंडलाधिकारी कसौली डॉक्टर संजीव धीमान ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद राम ध्यान सिंह, विनोद कुमार ठाकुर, विनीत गोयल तथा राम कुमार घई को शपथ दिलाई गई। डॉक्टर सैजल ने इस अवसर पर मनोनीत पार्षदों को बधाई देते हुए आशा जताई कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास एवं परवाणु शहर के सौंदर्यीकरण में समुचित सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी पार्षदों से आग्रह किया कि परवाणु नगर के वासियों के समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने में सहयोगी बने। आयुष मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद परवाणु के पार्षदगण, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष संजीव कश्यप, भाजपा मंडल कसौली के अध्यक्ष कपूर सिंह वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य राजकुमार सिंगला सहित अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमारा अपना व्यक्तिगत कार्यालय कसौली में फंक्शनल हो गया है, वही सब तहसील परवाणु जो है उसका भी उसको भी जो है सब तहसील का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक परवाणु नगर के विकास का प्रश्न है, चाहे किसी भी वार्ड का प्रश्न, भले उन वार्डों को हम ना जीते हो, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं संपूर्ण हमारी यहाँ की टीम डॉक्टर डीपी ठाकुर के सदस्य के रूप में जिन पदों की किए जाने पर सच्चा निष्ठा से शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यहाँ स्थापित भारत के संविधान के श्रद्धालु लोगों का और सच्ची निष्ठा रखूंगा तथा जिन कर्तव्यों का भार मैं संभालूंगा उनका श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। क्या करता हूँ कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति एंसर न्यूज के लिए परवाणु से मदन बेहरा की रिपोर्ट।